तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मानचित्र के बारे में। जो आपका मानचित्र का पार्ट है उसी सभी को देख रहे हैं। तो इसमें मैं हम लोग लास्ट लेक्चर में बात किए थे उत्तरी अमेरिका के प्रमुख देश और उनकी राजधानियां। ठीक, और याद रखिए कुछ ही हमारे महाद्वीप और बचे हुए हैं, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। ये सभी कंप्लीट होने के बाद विश्व का जो भूगोल का पार्ट है आपके मानचित्र का, वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद। ठीक है, तो इसके बाद हमारा इंडिया बचेगा। इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग इसमें भी देख चुके हैं वर्ल्ड में। जब एशिया हम लोग जहाँ भी आता है एशिया, तो उसमें हमारा भारत भी शामिल हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका के देश और उनकी राजधानी। तो सबसे पहले हम लोग मैप्स में इनका इनकी स्थिति देख लेते हैं। मैप्स में कहाँ स्थिति है, सबसे पहले बात करते हैं हमारे प्यारे भारत। ये है हमारा प्यारा भारत एशिया में। ठीक है, पूरा एशिया में। ये आपका यूरोप हो गया, ये आपका अफ्रीका हो गया, नीचे ऑस्ट्रेलिया हो गया। लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने बात की थी उत्तरी अमेरिका, ये है आपका उत्तरी अमेरिका पूरा। ठीक, आज बात करेंगे हम लोग दक्षिणी अमेरिका। ये है आपका पूरा दक्षिणी अमेरिका। इसमें आपका अर्जेंटीना हो गया, उरुग्वे, चिली, पराग्वे, बोलिविया, ब्राजील, पेरू, कोलंबिया, इक्वाडोर, यहाँ आपका प्रशांत महासागर लगा हुआ है, वेनेजुएला, फ्रेंच, सुरीनाम, गुयाना। ठीक है, तो इसी के बारे में बात करनी है हमें। इसमें देख लेते हैं हम लोग, ये आपका कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला, इसकी ये राजधानी है बोगोटा, काराकस वेनेजुएला की राजधानी है, गुआना इसकी राजधानी, जॉर्ज टाउन, सुरीनाम, परामरियो, मरीबो, फ्रेंच गुआना, केनी, ये आपकी विषुवत रेखा गुजरती है यहाँ से। ठीक है, इक्वाडोर, ये आपका ब्राजील है, ब्राजीलिया इसकी राजधानी है, पेरू, लीमा इसकी राजधानी है, लापाज, बोलीविया इसकी बोलीविया की राजधानी है लापाज प्रशासन, और विधिक राजधानी है इसकी सुक्रे। दो राजधानियां हैं इसकी। ठीक है, प्रशासनिक है आपकी लापाज और विधिक है सुक्रे। यही आपका पराग्वे है, इसकी राजधानी है आसंसियान। चिली हो गया, ये चिली की राजधानी है सेंटियागो। अर्जेंटीना, इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स। उरुग्वे, इसकी राजधानी है मांटे वीडियो। ठीक, दक्षिण अमेरिका के स्थलबद्ध देशों की बात करें तो बोलीविया और पराग्वे। याद रखिए ये आपकी मकर रेखा है और आपकी ये विषुवत रेखा है। दक्षिणी अमेरिका से आपकी विषुवत रेखा भी गुजरती है और आपकी मकर रेखा भी गुजरती है। मकर रेखा के बारे में आपको याद रखना है कि आपकी चिली, अर्जेंटीना और पराग्वे और ब्राजील से गुजरती है। ठीक है, और जो आपकी विषुवत रेखा है इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील से गुजरती है। ब्राजील से आपकी विषुवत रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा दक्षिणी अमेरिका में। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये आपका अधिकतम दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी अमेरिका। अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 12 डिग्री 28 मिनट उत्तर से 55 डिग्री 59 मिनट दक्षिण तक है। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 28 डिग्री 59 से पश्चिम से, ये पश्चिम यूज करना है आपको। ठीक है, अगर कभी इंटरव्यू में पूछता है तो आपको इसे साथ में जोड़कर बताना है। 28 डिग्री 59 मिनट पश्चिमी से 92 डिग्री पश्चिम तक। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 1,78,35,000 वर्ग किलोमीटर। उत्तरतम बिंदु है इसका पोंटा गेलिनान, 12 डिग्री 28 मिनट कोलंबिया में, और दक्षिणतम इसका बिंदु है हॉर्न अंतरिक्ष, 55 डिग्री 59 चिली में है आपका। पूर्वोत्तम बिंदु है इलहास मार्टिन वाज, ये आपका 28 डिग्री 51 मिनट पश्चिम ब्राजील में है। पश्चिमतम बिंदु है इसका गल्पागोस द्वीप समूह, 52 डिग्री पश्चिम इक्वाडोर में है। उच्चतम बिंदु की बात करें तो माउंट अकांकागुआ,
अर्जेंटीना में है। इसकी ऊंचाई है 6,959 मीटर। ठीक है, ये सभी आपके पॉइंट दक्षिणी अमेरिका के लिए हैं। कुछ निम्नतम बिंदु की बात करें तो वाल्डीज प्रायद्वीप अर्जेंटीना में -40 मीटर है आपको। लेटिन अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, मैक्सिको, केंद्रीय अमेरिका व वेस्ट इंडीज को हम लोग क्या कहते हैं? लेटिन अमेरिका। केंद्रीय अमेरिका किसे कहते हैं? तो इसमें आपके शामिल हैं ग्वाटेमाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा, अल सलवाड, सतवाडोर और बेलीज, कुल 7 देश हैं। तो याद रखना, लेटिन जो आपकी अमेरिका है इसमें दक्षिणी अमेरिका, मैक्सिको, केंद्रीय अमेरिका, वेस्ट इंडीज है, और केंद्रीय अमेरिका में आपके ग्वाटामाला, होंडुरास, कोस्टारिका, निकारागुआ, पनामा, अल सतवाडोर और बेलीज इसके शामिल है। मध्य अमेरिका में आपका केंद्रीय अमेरिका और मैक्सिको शामिल है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका के प्रमुख देश के बारे में, जो पॉइंट है उनके बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी है ब्यूनस आयर्स। इसे स्वतंत्रता मिली 9 जुलाई 1816 को। यहाँ की शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, आधिकारिक है ये स्पेनिश आधिकारिक भाषा है, और दूसरी है अंग्रेजी। मुद्रा है पीसो। क्षेत्रफल है इसका 27,66,890 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देश हैं बोलीविया, ब्राजील, चिली, पराग्वे, उरुग्वे, ये सभी आपके अर्जेंटीना के पड़ोसी देश हैं। प्रमुख शहर हैं अर्जेंटीना के साल्टा, सैन जुआन, मेंडोजा। यहाँ का प्रमुख धर्म है ईसाई। कौन सा? ईसाई धर्म। दक्षिणी अमेरिका का अगला देश है हमारा बोलीविया। इसकी राजधानी है ला पाज। इसे स्वतंत्रता मिली है 6 अगस्त 1825 को। शासन प्रणाली है यहाँ की गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, क्विचुआ, आईमारा, तीनों आधिकारिक भाषा है। मुद्रा है बोलीविया की बोलीवियानो। क्षेत्रफल इसका 10,98,580 वर्ग किलोमीटर। इसके पड़ोसी देशों में शामिल है अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे, पराग्वे, पेरू। प्रमुख शहर हैं लापाज, सांता क्रूज और पोटोसी। यहाँ का धर्म है ईसाई। इन सभी देशों में अधिकतर देशों के धर्म ईसाई ही है। फिर आपका ब्राजील। ब्राजील की राजधानी है ब्राजीलिया। इससे स्वतंत्रता मिली 7 सितंबर 1822 में। यहाँ की शासन प्रणाली है संघीय गणतंत्र, भाषा है पुर्तगाली, आधिकारिक है स्पेनिश और अंग्रेजी भी है। यहाँ की मुद्रा है रियल। कुल क्षेत्रफल है 85,11,965 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश इससे लगे हुए हैं अर्जेंटीना, बोलीविया, कोलंबिया, गुआना, पेरू, सुरीनाम, उरुग्वे, वेनेजुएला। प्रमुख शहर है इसका ब्राजीलिया, रियो डी जेनेरो, साओ पोलो। यहाँ का धर्म है ईसाई। ठीक है, अगला हमारा दक्षिणी अमेरिका में देश चिली। चिली की राजधानी है सेंटियागो। इसे स्वतंत्रता मिली है 18 सितंबर 1810 को। यहाँ की शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है पीसो। कुल क्षेत्रफल है 7,56,950 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं अर्जेंटीना, बोलीविया और पेरू। शहर हैं इसके वेल पराजो, लेपू, सेंटियागो। धर्म है ईसाई। ठीक है, फिर आता है दक्षिणी अमेरिका में आपका कोलंबिया। अगला देश क्या है? कोलंबिया। इसकी राजधानी है बोगोटा। इसे स्वतंत्रता मिली 20 जुलाई 1810 को। यहाँ की शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश आधिकारिक, मुद्रा है पीसो। क्षेत्रफल है इसका 11,38,910 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश हैं ब्राजील, इक्वाडोर, पनामा, पेरू, वेनेजुएला। प्रमुख शहर हैं कोलंबिया के बोगोटा, सांटा मार्टा, पास्टो, मेटू, केली। यहाँ का धर्म है ईसाई। ठीक है, फिर आपका इक्वाडोर। इक्वाडोर, इसकी राजधानी है क्वेटो।
इसे स्वतंत्रता मिली है 24 मई 1822 को। शासन प्रणाली है गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, कुल क्षेत्रफल है 2,83,560 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है कोलंबिया और पेरू, प्रमुख शहर है क्वेटो, पोर्टोविजो, मांटा, प्योटो बोलीवर, और यहाँ का धर्म है ईसाई। फिर आपका देश गुआना, राजधानी है जॉर्ज टाउन, स्वतंत्रता मिली 26 मई 1966 को इसे। ठीक है, शासन प्रणाली की बात करें तो गणतंत्र, अंग्रेजी, कैरिबियाई, हिंदुस्तानी और उर्दू यहाँ की मुख्य भाषा है। मुद्रा है डॉलर, क्षेत्रफल है 2,14,970 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश हैं ब्राजील, सुरीनाम, वेनेजुएला, प्रमुख शहर हैं जॉर्ज टाउन, लेथेम, लंदन, न्यू एम्स्टर्डम। ईसाई, हिंदू, मुस्लिम तीनों यहाँ रहते हैं। ठीक है, पराग्वे, पराग्वे की राजधानी है आसनसियान, स्वतंत्रता मिली से 14 मई 1811 में। शासन प्रणाली है संविधानिक गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, गुआरानी दोनों आधिकारिक हैं, इसकी मुद्रा है गुआरानी, क्षेत्रफल है 4,750 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है अर्जेंटीना, बोलीविया, ब्राजील, प्रमुख शहर हैं एसन एस नसियोन, सैन पेड्रो, बिल्लेला, बिल्लेटा, फिलार, और धर्म है ईसाई। फिर आपका पेरू, राजधानी इसकी क्या है, लीमा, स्वतंत्रता कब मिली से 18 जुलाई 1821 को। शासन प्रणाली है संविधानिक गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, क्वेचुआ दोनों आधिकारिक हैं, मुद्रा है न्यू सॉल, क्षेत्रफल है कुल 12,85,220 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश हैं बोलीविया, ब्राजील, चिली, कोलंबिया, इक्वाडोर, प्रमुख शहर हैं लीमा, प्योटो, माल्डोनाडो, क्यूकल्पा, कोस्को, और प्रमुख जो धर्म है इसका ईसाई है। ठीक है, फिर आपका सूरीनाम, दक्षिणी अमेरिका में अंगला देश है सूरीनाम, इसकी राजधानी है परामरीबो, स्वतंत्रता मिली इसे 25 नवंबर 1975 को। शासन प्रणाली संविधानिक लोकतंत्र है, भाषा है डच और अंग्रेजी भी, डच जो भाषा है ये आधिकारिक भाषा है, मुद्रा है डॉलर, कुल क्षेत्रफल है 1,63,270 वर्ग किलोमीटर, 1,63,270 वर्ग किलोमीटर। पड़ोसी देश है ब्राजील, गुआना, प्रमुख शहर परामरीबो, अल्बिना, परानाम, ब्रोकोपोंडो, यहाँ के प्रमुख धर्म है हिंदू, ईसाई, मुस्लिम। फिर आपका उरुग्वे, उरुग्वे की राजधानी है मॉन्टेविडियो, इसे स्वतंत्रता मिली है 25 अगस्त 1828 को। शासन प्रणाली है यहाँ की संविधानिक गणतंत्र, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है पीसो, क्षेत्रफल है 1,76,220 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है अर्जेंटीना, ब्राजील, प्रमुख शहर है मॉन्टेविडियो, साल्टो, और ईसाई धर्म है यहाँ का। फिर आपका बांग्लादेश, वेनेजुएला, कौन सा, वेनेजुएला, काराकस इसकी राजधानी हो गई, इसे स्वतंत्रता मिली 5 जुलाई 1811 को। शासन प्रणाली की बात करें तो संघीय गणतंत्र है, भाषा है स्पेनिश, मुद्रा है बोलीवर, और कुल क्षेत्रफल है इसका 9,12,050 वर्ग किलोमीटर, पड़ोसी देश है ब्राजील, कोलंबिया, गुआना, प्रमुख शहर है काराकस, सैन फर्नांडो, और धर्म है ईसाई। एक बार और हम लोग मैप्स देख लेते हैं दक्षिणी अमेरिका का, ये आपका पूरा दक्षिणी अमेरिका। ठीक है, ये आपका वेनेजुएला हो गया, कोलंबिया हो गया, ये गुआना हो गया, ये आपका सुरीनाम है यहाँ। ठीक है, यहाँ ये बगल में फ्रेंच गुआना हो गया, ये आपका इक्वाडोर,
पेरू, ये आपका पूरा ब्राजील है, ठीक है, फ्रे बोलेविया, पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, उरुग्वे, ठीक है, ये है आपका पूरा दक्षिणी अमेरिका। अब बात कर लेते हैं कुछ दक्षिण अमेरिका की राजधानियां और प्रमुख नगर हैं उनके बारे में भी हम लोग कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। लीमा, लीमा आपकी पेरू की का राजधानी नगर और प्रमुख बंदरगाह व प्राइवेट सिटी भी है। यह सोना चांदी निर्यात का प्रमुख केंद्र है। यह रसायन वस्त्र, मोटर कार व औषधि उद्योग का भी केंद्र है आपका लीमा। अरे आपका मॉन्टे वीडियो, यह ओरोगवे की राजधानी नगर है तथा ओरोगवे का प्राइवेट सिटी भी है, प्रमुख बंदरगाह भी है। यह देश का प्रमुख सांस्कृतिक एवं व्यापारिक केंद्र है। यहाँ का प्रथम फुटबॉल विश्व कप यहीं खेला गया था। यहाँ आपका प्रथम फुटबॉल विश्व खेला गया था कब? अरे आपका कराकस, यह अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित है। यह वेनेजुएला की राजधानी है तथा देश का सबसे बड़ा नगर और प्रमुख बंदरगाह भी है। यहाँ कई तेल शोधक कारखाने भी हैं। यह महत्वपूर्ण कालपोर्ट जहाजों का ईंधन स्रोत भी है। फिर आपका ब्यूनस आयर्स, यह आपका अर्जेंटीना की राजधानी है और देश का एकमात्र प्राइवेट सिटी है। यह औद्योगिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है। यह मांस उत्पादन का प्रमुख केंद्र भी है। यह अर्जेंटीना का सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह ट्रांस एंडियन रेलवे का पूर्वी टर्मिनल है। ब्राजीलिया, यह ब्राजील की राजधानी है। यह ग्रेड प्रारूप पर आधारित नगर है। नगर स्थापत्य कला का सर्वोत्तम उदाहरण भी है। सांबा नृत्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है आपका ब्राजीलिया। फिर आपकी केनी, अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित फ्रेंच गुआना की राजधानी। इस देश का प्रमुख बंदरगाह नगर है। यह पहले फ्रांस का उपनिवेश रहा है। फिर आपका आसंसियान, दक्षिण अमेरिका के स्थल रूप रुद्ध देश पराग्वे की राजधानी है। यह पराग्वे का प्रमुख शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक केंद्र है। यह खाद्य प्रसंस्करण एवं वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। ठीक है, आगे है आपका लापाज, यह स्थलबद्ध देश बोलिविया का प्रशासनिक राजधानी है। लापाज एंडीज पर्वतमाला में स्थित विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। याद रहे कि न्यायिक राजधानी इसकी सुक्रे है। ठीक है, सुक्रे, यह नगर बोलिविया की न्यायिक राजधानी है। यह तथा दक्षिण अमेरिका के प्राचीनतम नगरों में से एक है। यह सुक्रे का प्रमुख सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक नगर भी है। फिर आपका सेंटियागो, यह चिली की राजधानी है तथा चिली के लगभग मध्य में अवस्थित है। यह नगर शराब उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जॉर्ज टाउन, यह गुआना की राजधानी है। जॉर्ज टाउन यहाँ का प्राइवेट सिटी है। यह गुआना का प्रमुख बंदरगाह भी, औद्योगिक नगर भी है। यहाँ भारतीय मूल के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं आपके। फिर आपका क्योटो, यह इक्वाडोर का राजधानी नगर है जो विषुवत रेखा के पास अवस्थित है। यह विश्व की दूसरी सबसे ऊंची राजधानी है। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर आपका बोगोटा, यह कोलंबिया का राजधानी नगर है। यह कोलंबिया का प्राइवेट सिटी भी। यह कॉफी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है आपका। फिर आपकी पैरा मरियो, यह नगर सुरीनाम नदी के किनारे अवस्थित है तथा सुरीनाम की राजधानी है। सुरीनाम का प्रमुख बंदरगाह, उद्योगिक व सांस्कृतिक नगर भी। रेसिप, यह ब्राजील का प्रमुख बंदरगाह नगर है। यह चीनी के निर्यात के लिए विश्व प्रसिद्ध है रेसिप। ठीक है, फिर आपका पोर्ट अलगे, ब्राजील के दक्षिण में स्थित प्रमुख नगर व बंदरगाह है। यह सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी है। बेलो हॉरिजोंटे, यह आपका ब्राजील का प्रमुख आंतरिक नगर है। सामान्यतः सुंदर दृश्य के लिए जाना जाता है। यहाँ लोहे ऐश के लिए बड़े बड़े निक्षेप भी हैं। फिर आपका चिक्यो माटा, चिली का
यह नगर विश्व का सबसे बड़ा तांबा उत्पादन उत्पादक खान व शहर है। यह बोलीविया की सीमा पर अवस्थित है। यहाँ उर्वरक नाइट्रेट का यहाँ बड़ी मात्रा में उत्पादन होता है। फिर आपका पुंटा एरिनास चिली के दक्षिण में अवस्थित नगर। यह विश्व का दक्षिणतम मानव निवास वाला शहर है। तेल भंडार की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। फिर वाल परिजो यह चिली में स्थित नगर है। यह तेल शोधन पेट्रोकेमिकल्स शराब उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। यह दक्षिणी गोलार्ध के सबसे अधिक शराब उत्पादन नगरों में से एक है। यह ट्रांस कंटिनेंटल रेलवे का पश्चिमी टर्मिनल है। अरीका चिली के उत्तरी भाग में स्थित यह नगर विश्व का शुष्कतम स्थल है। यहाँ 16 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। अरीका में वर्तमान में यह भूत शहर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि नाइट्रेट का खनन बंद होने के बाद यह शहर वीरान हो गया है। फिर आपका इकीक यह चिली का नगर है जो अरीका नगर शहर के दक्षिण में स्थित है। यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ से प्राप्त खनिज कॉपर नाइट्रेट का निर्यात किया जाता है। फिर आपका गुआ क्विल प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित इक्वाडोर सबसे बड़ा बंदरगाह नगर है। यह पर्ल ऑफ द पैसिफिक के नाम से भी जाना जाता है इसे। फिर आपका साओ पोलो यह ब्राजील का औद्योगिक प्रमुख नगर है। यह नगर दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा नगर है। यहाँ कॉफी व्यापार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। यह सुंदर व कड़े बीचों के लिए भी प्रसिद्ध है। आपका रियो डी जेनेरो जनरो ब्राजील का यह नगर अपनी सुंदरता हेतु प्रसिद्ध है तथा भव्य नगर के नाम से भी इसे जाना जाता है। यह गंदी बस्तियों मादक दवाओं के सेवन और अपराध के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह ब्राजील का महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है। फिर आपका सेंटोस यह ब्राजील का बंदरगाह नगर है। यह देश का सबसे बड़ा कॉफी निर्यातक बंदरगाह है, अतः कॉफी पोर्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह साओ पोलो का बाह्य बंदरगाह है। फिर आपका मानोस यह नगर अमेजन और उसकी सहायक नदी निग्रो के संगम पर अवस्थित है। ब्राजील का प्रमुख आंतरिक बंदरगाह भी है। इस नगर के निकट वृद्धि क्षेत्रों में मुख्य रूप से रबड़ का उत्पादन भी होता है। फिर आपका बेलम पारा अमेजन नदी के मुहाने के पास स्थित ब्राजील का प्रमुख नगर है। कोकोआ एवं रबड़ के निर्यात हेतु अमेजन बेसिन क्षेत्र का एक प्रमुख बंदरगाह शहर है। फिर आपका रोजे रियो यह अर्जेंटीना का एक नगर है। यहाँ गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र भी है। ब्यूनस आयर्स के साथ मिलकर एक सन्नगर का निर्माण करता है। यहाँ अनेक बड़े बड़े आधुनिक बूचड़खाने हैं। यह मांस का प्रमुख उत्पादक एवं निर्यातक केंद्र भी है। फिर आपका बाहिया ब्लांका यह अर्जेंटीना का नगर है। यह पंपास के गेहूं अर्धचंद्राकार क्षेत्र का एक प्रमुख नगर है। सांता मारिया ब्राजील के मध्य भाग में अवस्थित यह नगर आरागुइया नदी के तट पर बसा हुआ है। यहाँ रबड़ उत्पादन होता है। ठीक है, तो चलिए ये थे आपके प्रमुख दक्षिण अमेरिका के देश उनकी राजधानियां। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे अफ्रीका के प्रमुख देश और उनकी राजधानी। अफ्रीका महाद्वीप के जो प्रमुख देश हैं उन्हें भी देखेंगे हम लोग और उनकी राजधानियां भी। तो चलिए, हम लोगों ने 24-25 मिनट में पूरा उत्तरी दक्षिणी अमेरिका देख लिया है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने उत्तरी अमेरिका की भी सैर कर ली थी यात्रा, वांगे हम लोग अफ्रीका महाद्वीप की यात्रा करेंगे। ठीक है।